Good morning students, let's continue our revision. Yesterday we have done up to Galileo and the function of microscope. Now today we'll start the new machines. Scientists and engineers have developed many machines which can study the organs inside our body. Hamare body ke andar ke parts ko स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बहुत सारे मशीन्स डेवलप किए. सम ऑफ देम जिसमें से कुछ क्या क्या है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई एक्सेट्रा. दीज मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज इन द ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स एक्सेट्रा. अगर ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी इन सब में कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो जाए, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारे मशीन्स जो है वो हेल्प करते हैं इनको फाइंड आउट करने में. डायग्नोस करना मतलब उनका पता लगाना, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से. नाउ डेज लेजर बीम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस करने के लिए लेजर बीम्स का भी यूज हो रहा है. ऐसा नहीं है कि पहले जो पूरा लंबा कट लगा के ऑपरेशंस होते थे, वैसे अब मैक्सिमम ऑपरेशंस में ना करके लेजर बीम्स के को यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट इज सर्जरी. सर्जरी इज द operations in which the doctor cuts the outer skin to reach the diseased part inside the human body. Here the laser beams are also used for surgical operation. So which is what is used for surgical operation? Laser beams. सर्जरी में डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो हमारे आउटर स्किन को कट करते हैं और डिजीज्ड पार्ट मतलब कि बॉडी के अंदर का वो पार्ट जिसमें बीमारी हो गई हो, डिजीज्ड पार्ट हो, जो प्रॉब्लम कर रहा हो, वहाँ तक पहुँचते हैं. डॉक्टर हु कंडक्ट्स दिस ऑपरेशन ऑन ह्यूमन बॉडी, वो डॉक्टर जो कि ऑपरेशन को कंडक्ट करता है किस पे, ह्यूमन बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, सर्जन. अ सर्जन, उसको हम सर्जन कहते हैं. इन एंशियंट इंडिया अबाउट 2500 ईयर्स अगो अ सर्जरी वॉज डन बाई सुश्रुता. ये आज ही नहीं, एंशियंट इंडिया से चला आ रहा है सर्जरी, जो आज से 2005 ईयर्स पहले होता था. किसने किया, सुश्रुता ने. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी. सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुता. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में आता है हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, उसके चार ऑप्शन होंगे, तो आपको सिर्फ आंसर लर्न करना है. ऑप्शन कुछ भी हो आप उसको कर सकते हो. सुश्रुता इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, डू यू नो, मे भी दिया हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Doctors use a variety of instrument, machines and medicines in performing a surgical operation. जब doctors operation करते हैं, जिसको हम surgery कहते हैं, surgical operation, उस time पे उनको बहुत सारे instruments की और medicines की जरूरत पड़ती है. They can also replace a diseased organ with a healthy one. It is called transplantation. तो transplantation किसे कहते हैं, transplant कर देना, मतलब एक organ ऐसा जो कि खराब हो चुका हो, जिसमें बहुत ज़्यादा problem हो, उसको निकाल करके उसके जगह पे वही सेम ऑर्गन लगा देना, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज मेडिसिन. द एम ऑफ अ डॉक्टर इज नॉट ओनली फाइंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज बट ऑल्सो टू क्योर द डिजीज टू मेक द पर्सन हेल्दी. डॉक्टर का सिर्फ एम ये नहीं पता करना है कि बीमारी क्या है, बट साथ साथ डिजीज को पता करना और उसको ठीक करना, क्योर करना भी डॉक्टर का एम होता है. मेनी न्यू मेडिसिन हैव बीन इन्वेंटेड टू क्योर डिजीज. बहुत सारे नए नए मेडिसिन यूज इन्वेंट किए गए, खोज किया गया ताकि बीमारियों को दूर किया जा सके. वी विल स्टडी अबाउट टू मेडिसिन ऑफ ग्रेट यूज. हम यहाँ पे दो मेडिसिन को पढ़ेंगे जिसका बहुत ज़्यादा यूज है. इन द पास्ट सर्जिकल ऑपरेशन वेयर वेरी पेनफुल. बहुत पहले जो सर्जिकल ऑपरेशन होते थे वो बहुत पेनफुल होते थे, बहुत दर्द होता था उन पर. नाउ द पेशेंट इज मेड अनकॉन्शियस बिफोर द सर्जरी. अब क्या होता है, पेशेंट्स को अनकॉन्शियस इट मींस बेहोश कर दिया जाता है सर्जरी से पहले. द पेशेंट इज गिवन, क्या दिया जाता है उनको बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया, क्लोरोफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स सिम्पसन. एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, जिससे कि पर्सन जो है, जो पेशेंट जो है, बेहोश हो जाता है. क्लोरोफॉर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स सिम्पसन ने किया. वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट मेडिसिन फॉर मेकिंग अ पर्सन अनकॉन्शियस. जो
क्लोरोफॉर्म था वो पहला मेडिसिन है जिससे कि किसी भी पर्सन को अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश कर दिया जाता है। हेयर सुश्रुता इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। यहाँ पे वो ये जो है वो सर्जरी कर रहे हैं, इनको बोला गया एंड सर्जिकल ऑपरेशंस दिखाया गया जिस तरह से आज मॉडर्न टाइम में डॉक्टर्स इसको परफॉर्म करते हैं। नाउ मेनी न्यू मेथड्स एंड मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड टू गिव एनेस्थीसिया एंड परफॉर्म अ पेनलेस सर्जरी। अब पहले के कंपैरेटिवली बहुत सारे न्यू मेडिसिन या मेथड्स आ गए हैं जिससे कि एनेस्थीसिया को इजीली दिया जा सके और पेनलेस सर्जरी मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें दर्द ना या कम हो किया जा सके। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज कॉज ऑफ मेनी डिजीज। बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत सारे डिजीजेज का कारण होता है। सच एज बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, कॉलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, प्लेग होता है, मलेरिया एक्सेट्रा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर पेंसिलिन। पेंसिलिन को डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके नेम से ही आप मैच कर सकते हो, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एन एन का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इससे पेंसिलिन को किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इट प्रिवेंटेड द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी। अगर पेंसिलिन दिया जाता है तो इससे क्या होता है, ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया के ग्रोथ और उसको फैलने स्प्रेड करने से रोकता है। दिस मेडिसिन इज प्रोबेबली कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो पेंसिलिन को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। इट मीन्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को बनाने में पेंसिलिन का यूज किया जाता है। दिस मेडिसिन इज प्रोबेबली पॉपुलरली कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। हम जब कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन लेते हैं, अगर उससे ना ठीक हो देन हमको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। जो एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को बनने से या स्प्रेड होने से रुकता है। सो इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल डू प्रिवेंटिंग डिजीजेस, कैसे किसी भी बीमारी से को रोका जा सकता है, क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आर नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू कंटिन्यू रिवाइज दिस चैप्टर एंड लर्न अबाउट द न्यू मशीन्स एंड सर्जरी एंड अबाउट मेडिसिन। Thank you.